हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है सूजी का बढ़िया सा दूध वाला हलवा। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे सूजी का दूध वाला हलवा, जिसके लिए मैंने ये 200 ग्राम या एक बाउल सूजी ले ली है। और इसके अंदर डालेंगे चीनी, 3 टेबलस्पून है चीनी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है देसी घी, ड्राई फ्रूट्स में है काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी या चारोली, ये किशमिश या रेजिन्स, और ये है इलायची और जायफल का पाउडर। और इसके अंदर दूध जाएगा, तो ये देखिए आधा लीटर दूध है, 600-700 ग्राम के करीब है। और इसको मैंने गर्म कर लिया है और ये कढ़ाई चढ़ा दी है। और अब अपने इसके अंदर ये घी डालते हैं। ये कढ़ाई में ले लिया है देसी घी, घी को थोड़ा अच्छे से गर्म होने देते हैं और उसके बाद सूजी डालते हैं ताकि सूजी अच्छे से रोस्ट हो। बर्तन और घी थोड़ा दोनों गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखिए अब अपना घी हो गया है मेल्ट, थोड़ा गर्म भी हो गया है। और अब अपने इसके अंदर डाल देंगे रवा और इसको भूनते हैं। ये सूजी को मध्यम से लो आंच पे भूनेंगे, इसको भूनने में 7-8 मिनट लगेगा, तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो बस इसको और लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि ये जले नहीं। तो बस अभी इसको भूनना जारी रखते हैं जब तक कि हल्का सा गुलाबी नहीं हो जाता। ये इतनी सूजी के लिए मैंने 4 टेबलस्पून घी लिया था और इसको अभी लगातार भूनेंगे। तो ये जब हो जाएगा तो थोड़ा घी छोड़ेगा, और घी अगर कम लगता है तो वो बाद में भी डाल सकते हैं। ये अब अपनी सूजी अच्छे से भून चुकी है और इसके अंदर से बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है। और अब अपने इसी स्टेज पे इसके अंदर डालेंगे गरम किया हुआ दूध, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ दूध में, तो डाल देते हैं दूध। और ये गया अपना दूध, और पहले तो आँच को थोड़ा फास्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको चलाते हैं ताकि सूजी अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो जाए, लम्स ना पड़े। लम्स तो ऐसे भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि प्रॉपर घी डाला हुआ है। तो बस इसको चलाते हैं और लगातार चलाते रहते हैं, और इसमें बॉईल आने के बाद मीडियम आँच पे लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए अपने मिक्सचर में बॉईल आ गया है, आँच को मध्यम कर देंगे और इसी स्टेज पे ये चीनी डाल देते हैं। आप चाहे तो लास्ट में भी चीनी डाल सकते हैं, पर इस तरह से डालने से थोड़ी चीनी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो बस इसको अभी लगातार गाढ़ा होने तक चलाते रहते हैं, और अगर इसमें छींटे उड़ने लगे तो थोड़ी देर के लिए कढ़ाई को ढक देंगे ताकि छींटे ना उड़े। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और अब अपने इसको मीडियम आंच पे लगातार चलाएंगे जब तक अच्छे से गाढ़ा होकर थोड़ा घी ना छोड़ने लगे। ये देखिए अब अपना हलवा कुक हो गया है और अच्छे से गाढ़ा हो गया है, और अब लास्ट में इस स्टेज पे देसी घी डालेंगे ताकि इससे बढ़िया सा इसके ऊपर एक लस्टर भी आएगा और इससे टेस्ट भी बढ़िया लगता है। तो इसके ऊपर डालेंगे 2-3 टेबलस्पून, डालेंगे अच्छे से घी और वापस इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। और अब इसी स्टेज पे इसके अंदर अपने डाल देंगे इलायची और जायफल का पाउडर, ये गया, और ये रेजिन्स भी इसी टाइम डाल देंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से फूल जाए। और इसको पहले तो अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और देखिए अब अपना ये सूजी का दूध वाला हलवा बढ़िया सा बन के हो गया है रेडी। अब इसको ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करते हैं। और अब अपना ये सूजी का हलवा बनके हो गया है रेडी, और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी ये सब डालते हैं
बढ़िया सा आपको जितना पसंद हो कम ज़्यादा उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये गया बढ़िया सा ड्राई फ्रूट्स, और अब अपना ये बढ़िया सा सूजी का दूध वाला हलवा बन के रेडी हो गया है। इसको मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है, और ये स्वीट डिश के साथ सेवरी डिश में मैंने बनाई है यूपी की विंटर स्पेशल डिश फ्रेश मटर की कुकरी। तो ये संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट में मेरा ये नाश्ता बन के रेडी है, रेडी टू शेयर।